राजा राज्य का निर्माण कर सकता है, लेकिन राष्ट्र का निर्माण तो ऋषि करेगा। और जब हम राष्ट्र का निर्माण ऋषि द्वारा बात होने की बात करते हैं, तो वो जो ऋषि धर्म है उसमें सर्व समाज सम्मिलित है, क्योंकि तो ऋषि भी जो है वो सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करता है, राजा समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। राजा अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, वो अपने प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है, वो अपनी सेनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, वो सीमाओं की सुरक्षा करता है, उसके कर्तव्य जो है हमारे राष्ट्र धर्म में और राजधर्म में पूरी तरह से परिभाषित है। यहाँ तो वैसे तो यदि देखिए कि हमारे संविधान ने भी उसको उल्टा पुल्टा कर दिया, क्योंकि तो भारत में जो भी अधिकारों की परिकल्पना संभवतः सबसे प्राचीन है, लेकिन वो सारे के सारे अधिकार जो हैं आपको कर्तव्यों की पूर्ति करने के लिए प्रदत्त किए जाते हैं, वो आपको स्वेच्छाचारिता करने के लिए प्रदत्त नहीं किए जाते हैं। जैसा कि आजकल जो हमारा वर्तमान प्रजातंत्र है उसमें इस प्रकार का एक मुझे लगता है पूरा रवैया बन गया है, रवैया और रिवायत यही हो गई है कि साहब की बस अधिकार 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 अधिकार। अधिकारों का जो इस संविधान में इन्होंने कर्तव्यों से उसका पृथकीकरण किया है, वह हमारी आज की समस्या का मूल कारण है।